आज हम लोग एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स यूनिट के थर्ड सेक्शन में हैं, अर्थात ईथर की स्टार्ट लेंगे। ईथर्स का लेआउट एज ए समरी आपको बताऊं सबसे पहले, ईथर्स का डेफिनेशन, फॉर्मेशन टेक्निक्स, ईथर्स का क्लासिफिकेशन, उनका नामकरण यानी नॉमिनेशन, आइसोमेरिज्म इन ईथर्स, ईथरों का वर्गीकरण, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल रिएक्शंस और प्रिपरेशन मेथड्स, निर्माण की विधियां और उनके रासायनिक समीकरण तथा ईथर्स के प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का स्टडी करेंगे। देन उनके कंपाउंड्स, उनका फॉर्मेशन मेथड्स, स्पेशली लैब मेथड्स एंड इट्स यूसेस। इस प्रकार से ईथर्स को इन पॉइंट्स और व्यूज के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले ये जान लें कि ईथर क्या है और हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे इन फॉर्मूला। ईथर्स फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, अर्थात इनमें ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। क्रियात्मक समूह ओ की उपस्थिति ईथर्स को इंडिकेट करती है। देन फॉर्मेशन मेथड्स, कैसे निर्माण है इनका, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह लें व्हाट आर ईथर्स, तो वे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका नॉर्मल फॉर्मूला इतनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ओ आर, आर ओ आर डैश, आर ओ ए आर एंड ए आर ओ ए आर, इतने तरह से रिप्रेजेंट करने वाले कंपाउंड्स को ईथर से जानते हैं। अब मन में बात आ रही होगी कि यहां आर और ए आर क्या है, क्यों यूज किए गए, तो इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां आर फॉर एल्किल, और एल्किल के लिए मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरह से हम इनके फंक्शनल ग्रुप्स को एडिट करेंगे। फॉर आर डेस, इसका मतलब हुआ कि जो एक एल्किल ग्रुप है दूसरा उससे डिफरेंट होगा। सपोज दैट वन इज मैथिल देन अदर इज एथिल, सो वन इज आर एंड अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर डेस। नाउ एरिल सिंबलाइज्ड बाय ए आर, एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर एरिल C6H5, फेनिल रिंग के लिए हम C6H5 मॉलिकुलर फॉर्मूले का यूज करते हैं। देन आर एंड ओ आर, एल्किल एंड एरिल, और ए आर एंड ए आर, एरिल एंड एरिल, इतनी तरह से हम ईथर्स के फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये सारे केस आपको क्लासिफिकेशन में विद एग्जांपल पढ़ने। तो स्टूडेंट्स अब हम ईथर्स को डिफाइन करते हैं। जल के वे डाई एल्किल या डाई एरिल व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स जिनकी प्राप्ति जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल ग्रुप्स द्वारा सबस्ट्रैक्ट करने से होती है ईथर्स कहलाते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट हियर, जल के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति है। तो जब जल के ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एरिल ग्रुप द्वारा मींस ए आर ग्रुप द्वारा या किसी एल्किल ग्रुप द्वारा आर द्वारा रिप्लेस्ड किए जाते हैं या कंजुगेट होते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसीज के साथ में, तो बने कंपाउंड ईथर्स कहलाए। फॉर एग्जाम्पल डाई एथिल ईथर एंड एथिल मैथिल ईथर,
ये दोनों लोअर ईथर्स के रूप में अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और जितने भी लोअर ईथर्स हैं वे कलरलेस और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि इनसे उच्च श्रेणी के सदस्य लिक्विड स्टेट में प्रेजेंस है, यानी उनकी भौतिक अवस्था द्रव के रूप में है और वे कलरलेस होते हैं। बट नॉर्मली ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड, बट इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दे मेक अ कलर। सो नॉर्मली वी नो दैट जितने भी उच्च श्रेणी के ईथर्स हैं वे कंडेंस होकर के, लिक्विफाइड होकर के द्रव रूप में आ जाते हैं और वे कलरलेस होते हैं। स्टूडेंट्स, ईथर्स आर मोर देन एक्टिव केमिकल रिएक्टेंट, दे रिएक्ट विथ एफी कंपाउंड्स। पराक्साइड के इफेक्ट में जब आयरन आयन रिएक्ट करता है ईथर कंपाउंड से तो वो उसे फेरिक थायोसाइनेट कंपाउंड्स में चेंज करता है और रेड कलर का सॉल्यूशन मेक करता है। तो ईथर्स में रंगीन कंपाउंड्स फॉर्मेशन की भी कैपेसिटी पाई जाती है। एंड स्टूडेंट्स, ईथर्स जब नाइट्रोजन्स कंपाउंड से रिएक्ट करता है विथ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के एडिट होने से जो बना हुआ कंपाउंड है वो ब्लूइश कलर देता है। सपोज दैट टू मेथॉक्सी बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप का टू नाइट्रो मेथॉक्सी बेंजीन, ये आर्थो पोजिशन का भी है और पैरा पोजिशन का भी है। तो जब ये रिएक्ट कंप्लीट करता है तो आपको ब्लूइश कलर का सोल्यूशन देता है। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ईथर सामान्यतया तो कलरलेस है, रंगहीन है, लेकिन केमिकल रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड को वे अलग अलग रंग में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग ईथर्स को क्लासिफाइड करते हैं, अर्थात ईथर्स का वर्गीकरण पढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने प्रकार के ईथर्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ईथर्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, वन आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एंड अदर आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो वन बाय वन हम इनका स्टडी करते हैं और इनकी पहचान करते हैं। सिंपल आर सिमेट्रिकल ईथर्स, सरल या सममित ईथर। बहुत ही सिंपल, एज ए फॉर्मूला डिफाइन करें, व्हेन एल्किल ग्रुप आर एरिल ग्रुप आर सेम इन गिवन ईथर्स देन दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर्स। अर्थात जब ईथरों में दोनों एल्किल या एरिल समूह एक समान होते हैं तो इस प्रकार के ईथर सममित या सरल ईथर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर से। सपोज दैट आर को शिफ्ट करते हैं मैथिल से CH3OCH3, नॉमिनेट करेंगे डाइमेथिल ईथर एंड C2H5O एंड C2H5, नॉमिनेट करेंगे डाई एथिल ईथर। एंड हेयर फॉर एरिल ग्रुप, जब हम एरिल कंपाउंड्स एडिट करते हैं ईथर से तो बने यौगिक भी सिमेट्रिकल होते हैं ईथर्स में। फॉर एग्जाम्पल C6H5O एंड C6H5, डाइफेनिल ईथर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहां सिमेट्रिकल कंडीशन आपको क्लियर कराई कि व्हेन टू सेम एल्किल आर टू सेम एरिल ग्रुप्स एड इन ईथर ग्रुप देन दे आर नोन एज सिमेट्रिकल ईथर। नाउ सेकेंड टाइप, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अर्थात मिश्रित या असममित ईथर। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ ईथर्स हैव डिफरेंट एल्किल ग्रुप एंड डिफरेंट एरिल ग्रुप। सपोज दैट R for CH3 and O and R dash for C2H5,
तो एक आर मैथिल हुआ एंड दूसरा आर डैश एथिल हुआ. नॉमिनेट करेंगे एथिल मैथिल इथर. देन सेकेंड टाइप्स ए आर ओ आर, एरिल ग्रुप की भी प्रेजेंस है और एल्किल ग्रुप की भी प्रेजेंस है. फॉर एग्जाम्पल C6H5O एंड CH3 फेनिल मैथिल ईथर. दिस इज द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स. तो क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग नॉमिनेशन करेंगे ईथर्स का. सो IUPAC नॉमनक्लेचर मेथड ऑफ ईथर्स. यहां थ्री पॉइंट्स हैं जिन्हें बहुत केयरफुली सुनिए, देन इजिली नॉमिनेशन करना सीख जाएंगे. फर्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड परफिक्स इज यूज्ड ऑक्सी. इसके लिए ऑक्सी परफिक्स का यूज करेंगे एक पॉइंट. देन सेकेंड पॉइंट, इन गिवन फॉर्मूला द स्मॉलेस्ट एल्किल आर एरिल ग्रुप, स्पेशली एल्किल ग्रुप डिनोटेड विथ E3 ऑक्सीजन. दिए गए फॉर्मूले में जो स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप होगा उसका सिलेक्शन करेंगे और जो ईथर का ऑक्सीजन है वो उसी के साथ एड कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल एल्किल ग्रुप दिया है मैथिल CH3 और ईथर का O, तो ये इतना इसी के साथ एडिट कर लिया. नॉमिनेशन जब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कार्बन नेम, फॉर सिंगल कार्बन मेथ, फॉर टू कार्बन एथ, फॉर थ्री कार्बन प्रो, फॉर फोर कार्बन ब्यूट, फॉर फाइव कार्बन पेंट. देन सिंगल कार्बन के लिए मेथ, और मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला कि ओ का परफिक्स यूज करेंगे ऑक्सी, सो इट्स नॉमिनेशन इज मेथॉक्सी. तो पहले स्मॉलेस्ट ग्रुप का नॉमिनेशन करेंगे मेथॉक्सी. देन थर्ड पॉइंट, दिए गए फॉर्मूले में जो बड़ा एल्किल या एरिल ग्रुप होगा, मींस लॉन्गिट्यूडनल कार्बन नंबर्स की प्रेजेंस होगी, तो उन्हें पेरेंटल हाइड्रोकार्बन्स मानेंगे और उनका नॉमिनेशन एज इट इज करेंगे. सपोज दैट C2H5 तो एथेन, या उसके आगे थ्री के लिए प्रोपेन, या फोर के लिए ब्यूटेन. इस तरह से लार्जेस्ट एल्किल या एरिल ग्रुप को एडिट करेंगे और उसका नॉमिनेशन ऐड करेंगे, और इस प्रकार बना हुआ नॉमिनेशन IUPAC टेक्निक द्वारा ईथर्स का प्योर नॉमिनेशन होगा. तो एग्जांपल करते हैं इसके. इन फर्स्ट फॉर्मूला CH3OCH3, यहां बोथ साइड हमने देखा मेथिल ग्रुप एड है, तो दोनों तरफ ही हमें स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट की सिलेक्शन करनी हो सकती है. तो वन साइड से कर लेते हैं, वन फॉर मेथिल, इसके साथ ऑक्साइड जोड़ ले तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और यहां जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हाइड्रोकार्बन में काउंट होगा. तो सिंगल है इसलिए मेथ और एन जोड़ेंगे तो मेथेन. नॉमिनेशन हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन. देन सेकेंड, अब यहां देखिए ये दो कार्बन है तो लार्ज पार्ट हुआ, बड़ा भाग हुआ, एंड यहां सिंगल कार्बन है तो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, तो स्मॉलेस्ट पार्ट के साथ ओ को एडिट करेंगे. सो मेथॉक्सी एथेन. देन हियर स्मॉलेस्ट पार्ट इज मेथिल एंड 1, 2, 3 कार्बन आर मेड प्रो, सो प्रोपेन, तो इसका नॉमिनेशन बनेगा मेथॉक्सी प्रोपेन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर साइड चेन. यहां देखा हमने सीरीज में कि कार्बन की प्रेजेंस से काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3. थ्री कार्बन सीरीज इज नोन एज प्रो एंड स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज मेथिल, तो मेथिल के साथ में ओ एड करेंगे बनेगा मेथॉक्सी, और थ्री कार्बन के लिए हो जाएगा प्रो, तो 2-methoxy प्रोपेन. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2OCH, और यहां से साइड चेन हुई CH2CH3, then CH2 and CH3. तो लॉन्ग पार्ट ये हुआ
और स्मॉलेस्ट पार्ट ये हुआ, तो स्मॉलेस्ट पार्ट के साथ में ऑक्सी एड करेंगे तो बनेगा एथॉक्सी, 3 नंबर पर है ये। जबकि लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 फॉर पेंट, एंड हाइड्रोकार्बन्स के लिए एडिट करेंगे तो एम पेंटेन, तो इसका नॉमिनेशन करेंगे 3 एथॉक्सी पेंटेन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ईथर्स के बारे में जानकारी की, उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, एंड IUPAC टेक्निक्स द्वारा नॉमिनेशन कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 2 में ईथर्स के फॉर्मेशन मेथड्स पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, समावयवता की बात करेंगे और उनके सारे केमिकल रिएक्शंस को क्लियर करेंगे।